नमस्ते, मैं तौशिक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, ईपीए मतलब क्या है। जो ईपीए मतलब क्या है, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, जो ईपीआई बोल के हम कुछ कहते हैं। जो ईपीए मतलब क्या है, जो ईपीए को जो कार्य करने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। एक क्या है, जो बिल्डिंग का एनर्जी कंजप्शन जो कितना बोल के आप लोग को जो पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, बिल्डअप एरिया मतलब एनर्जी कंजप्शन मतलब क्या है, जो बिल्डिंग के बिल्डिंग में जो क्या है, लाइटिंग रहेगा, लाइटिंग रहेगा, नहीं तो कूलिंग के लिए जो बड़ा बड़ा चिल्लर, जो जो कुछ छोटा छोटा यूनिट्स जो रहेगा, फिर पावर जो ज़्यादा कुछ सॉकेट्स रहेगा पावर के लिए, जो कुछ वो बिल्डिंग को जो चलने के लिए जो कुछ एनर्जी जो यूटिलाइज करता है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बोला है, जो कुछ यूटिलाइज करता है वो सभी लोग को, वो जो सभी का एनर्जी कंजप्शन को आप लिख के रखना है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट आप लोग को पता है, जो किलोवाट आवर में जो कितना जो एनर्जी कंज्यूम कर जो बिल्डिंग जो किया है वो सभी का जो गिनती करके जो रखना है। मतलब एक साल के लिए जो 3 crores 5 crores बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग रहने से 10 crores यूनिट भी वो कंज्यूम करेगा, वो उसी का जो लिख के रखना है। दूसरा क्या है, जो बिल्डअप एरिया जो कांस्टेंट है वो तो वेरी नहीं होगा, पहले बार आप लोग को जो बिल्डिंग जो बनाने का टाइम है जो कैलकुलेट करके जो दिया ना, वही बिल्डअप एरिया जो कुछ है, बिल्डअप एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर में वो जो लेके रखना है, वो थोड़ों को डिबेट करने से, ठीक है, एक साल का एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, दूसरा जो बिल्डअप एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, दोनों को डिबेट करने से हम लोग को क्या है, ईपीए मिल जाएगा। मतलब ईपीए मतलब क्या है, इज अ की मेट्रिक यूज्ड फॉर बेंचमार्किंग द एनर्जी यूसेज ऑफ ए कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। जो ईपीए क्या है, जो ईपीए इज अ रेशियो ऑफ एनर्जी कंसप्शन ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय द बिल्डअप एरिया। तो इसका यूनिट क्या है, जो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जो एक साल का जो कितना जो एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है जो कमर्शियल बिल्डिंग, उसी का हम लोग को ईपीए बोल के बोलते हैं, ठीक है। जो ईपीए का यूनिट जो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अभी इसका बेंचमार्क क्या है, अभी जो कुछ when come into the monitoring or benchmarking of the any commercial building, जो ज़्यादा कुछ टूल तो नहीं है, छोटा टूल्स तो रह जाते हैं, उसी में EPA भी आ जाएगा। जो EPA के लिए क्या है, जो इंडिया में जो कोई भी एक बिल्डिंग आप जो बिल्डिंग लेने से, बड़ा बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग लेने से, ठीक है, जो होटल्स, मॉल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कुछ अपने से, उसी का ईपीए 200 टू 400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो रहेगा, वो जनरल 200 टू 400। लेकिन जो अच्छा वाला एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हम लोगों को जो बोलता हूँ ना, उसी का जो यूनिट है ना, उसी का जो रेंज 100 से 150 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अंदर जो रहेगा। और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बेंचमार्क उसी का जो सोर्स को जो देखने से, नेशनल बेंचमार्क फॉर ईपीए क्या है, 150 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर क्या, वो नेशनल बेंचमार्क ये सोर्स क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, वो स्टैंडर्ड को रेफर करके मैं बोल देता हूँ। मतलब गृह स्टैंडर्ड में भी ईपीए के बारे में जो कुछ लिखा होगा, मैं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसी के बारे में बोला हूँ। मतलब नेशनल बेंचमार्क क्या है, 150 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर है, ओके। अभी इसका छोड़ के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में जो क्लाइमेटिक जोन का हिसाब से वो क्या है, एक एक होटल के लिए जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बीपीओ बिल्डिंग, नॉन बीपीओ बिल्डिंग, जो कुछ बिल्डिंग है उसी का क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से जो क्या है बेंचमार्क जो दिया है, ठीक है, क्यों बोलने से वही सही है ना, जो क्या है, जो अभी बहुत ठंडी वाला जगह पे, मतलब बहुत कोल्ड एरिया पे जो रह के आप लोग को ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने से
जो अच्छा नहीं है, फिर कैसे जो बेंचमार्क करेगा जो ऐसे, इसलिए जो क्लाइमेटिक जोन जो ईसीबीसी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के हिसाब से 5 क्लाइमेटिक जोन है जो इंडिया में, वो क्लाइमेटिक जोन का हिसाब से वो क्या है जो लिमिट बेंचमार्क एनर्जी यूसेज बेंचमार्क है जो बीई में जो दिया है, उसी को भी आदमी लोग रेफर करके उसी के हिसाब से ये बेंचमार्क रखे उसी को ये लोग काम करेगा जो कैसे रिड्यूस कर सकता है वो एनर्जी को बोल के वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अभी ये वीडियो में ईपीए मतलब क्या है, ईपीए का बेंचमार्क मतलब विद रेस्पेक्ट टू बी क्या बोल के आज हम लोग को ये वीडियो में डिस्कस किया है। सो इसी में कुछ ना कुछ डाउट रहने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी का छोड़ के दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको आपका जो रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स और फीडबैक को जो देखें हम लोग दूसरा वीडियो इसी के बारे में हम लोग को डालेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, बाय।